हेलो, हेलो। आकाशवाणी वाराणसी FM विविध भारती वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं। और श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री। पवन शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। पवन शास्त्री जी, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए आदर्श हैं और उनका चरित्र निश्चित रूप से हमें हमेशा प्रेरित करता रहता है। उनके चरित्र की व्याख्या आप किन शब्दों में करना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ अवतार के रूप में माने जाते हैं जी और उनका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में उनके जन्म का वर्णन बड़ा ही उत्तम ढंग से कहा गया है, जिसमें कहा गया निश्चिते तम उद्भूते जाय माने जनार्दने देव क्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय आविरासीद यथा प्राच्याम सिंदूरिव पुष्कलः। इसमें निशीथे तम उद्भूते कहा गया है, इसका अर्थ यह अवश्य सामान्यतया लगता है कि भाद्रपद महीने में और जिस समय रात्रि में तमाम अंधकार हो गया था उसी समय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था जी। तो यह तमस क्या है, यह अंधकार क्या है, यह भी बहुत विचार करने वाली बात है कि वाकई में अंधकार क्या है। अंधकार वही है कि उस समय कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था, उधर हस्तिनापुर में तमाम प्रकार से पांडवों को प्रताड़ित किया जा रहा था, और महाभारत की कथाओं को देखें तो कहीं पर जो है जरासंध ने भी बहुत से राजाओं को पकड़ पकड़ करके रखा था उनका बलि देने के लिए जी। तो कई कई प्रकार की उस समय कुरीतियां थी या कि बहुत से दुराचार थे वो फैले हुए थे, उसको इंगित करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए ये महर्षि सुखदेव जी जो है भगवान सुखदेव करण निशीथे तम उद्भूते, उस समय जो बहुत अंधकार हो गया था कि इन सब परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगा, छुटकारा दिलाने के लिए उसी समय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ जी। और जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा उदय होता है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। बिल्कुल, कहा भी गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब उसमें जो है भगवान इतनी रात्रि में उनके आविर्भाव होते ही सब जो जेल के पहरेदार थे, जो किवाड़े थी, जो दरवाजे थे, सब खुल गए और सब रास्ते धीरे धीरे आगे खुलते गए जी। जब भगवान का आविर्भाव होता है तो जो जनता पर जो हम लोग मनुष्य हैं उनके संकट अपने आप धीरे धीरे दूर होते जाते हैं जी, और कोई न कोई रास्ता मिलता ही रहता है। तो अनेक संकट उनके ऊपर थे, जब पैदा भी हो गए तो 6 दिन के अंदर ही पूतना राक्षसी को भेज करके उस बालक को मारने का प्रयास हुआ, तमाम प्रयास हुए, कितने बकासुर रघासुर कितने ही राक्षसों को भेजा गया, लेकिन भगवान के आगे कुछ भी किसी का जोर नहीं चला और सभी परास्त हुए। तो इस प्रकार जो भगवान के लीलाएं हैं, जो उनके कार्यक्रम है, जो उनके अवतार के प्रसंग हैं, वो हमको इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं कि हम उस ओर जो है देखें। और भगवान की लीलाओं के कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं जो कि आजकल के आधुनिक जीवन में भी बड़े ही उपयोगी हैं। अब जैसे कि भगवान ने कालिया नाग का जो मर्दन किया था, कालिया नाग को जो नाथा था वह क्या है, कालिया नाग भी बहुत प्रकार से वृंदावन वासियों को त्रस्त किए हुए था जी। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि इतना अधिक उसका विष का प्रभाव था कि यदि कालिया नाग के ऊपर से वो करके कोई पक्षी जाता था तो वह भी उसमें भस्म होकर के गिर जाता था। आसपास कहीं पर दुर्वा वगैरह जितने घास है वो घास भी एकदम सूख गए थे, नहीं होते थे, पेड़ पौधे सूख जाते थे। तो उसको दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि यह जो जल है इस जल की शुद्धि होनी चाहिए, तो भगवान ने जल की शुद्धि के लिए कालिया नाग का मर्दन किया और उसको मारा नहीं, उसको ऐसी जगह भेज दिया कि जहाँ से किसी जन सामान्य को कोई भी कष्ट न होने पाए जी। पवन शास्त्री जी, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और उन्होंने बुद्धि चातुर्य के बल पर बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण किया था। आजकल इस कोरोना काल में भी हम उनके उस कौशल से प्रेरणा लेते हुए किस तरह इस जो वर्तमान में कोरोना जैसी समस्या है उससे बच सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। ये जो कोरोना है तो यह कोरोना हमारे भारतीय संस्कृति में जो ईतियां 6 प्रकार की बताई गई हैं जी, अतिवृष्टि अनावृष्टि सलभा मुसकाह सुखाह
प्रत्यासन्नाश्च राजानः सरेता इतयः स्मृताः। तो ये जो छह इतियां हैं, इन्हीं इतियों में से अभी एक इति है जी। और यह जो इति है, इसको बचाने के लिए भगवान ने जो बहुत से उपाय किए, बहुत से बातें बताई हैं, और उन बातों में यह है कि सर्वप्रथम तो ये कि जब गोकुल में बहुत अधिक उपद्रव होने लगे तो सभी गोकुलवासी वृंदावन में चले गए जी। और वृंदावन में जाने का अर्थ क्या है, वृंदा का अर्थ क्या है, वृंदावन तुलसी जी। तो तुलसी का वन था चारों ओर, और तुलसी जो है बहुत ही शुभदायी और सुखदायी है जी। यह हर प्रकार से उत्तम है, क्योंकि इसके खाने से, इसके सेवन से, इसके सुगंध से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं जी। आयुर्वेद का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यह जो पौधा है तुलसी का, और इसे रामचंद्र जी के जमाने में भी बहुत ऋषिगण लगाते थे, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, और गोस्वामी जी ने तो तुलसी के पौधे को सज्जनता का प्रतीक माना है जी। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने विभीषण के घर में तुलसी का पौधा देखा जी जी, और तुलसी का पौधा देखते हुए उनको ये समझ में आया कि यह कोई सज्जन व्यक्ति का आवास है जी। तो ये वृंदावन में गए तो तुलसी के सेवन से, तुलसी के सामिप्य से, या गोवर्धन पर्वत के सामिप्य से, उसकी सेवा करने से ये जानकारी होती है कि हमको पहले प्रकृति का सेवन करना चाहिए और प्रकृति को बचाना चाहिए, प्रकृति के सन्निकट रहना चाहिए, उसके सुख दुख के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए हम अनावश्यक वृक्षों का न काटे और तरह तरह के वृक्षों को लगाएं, ये बात मिलती है। और ये जो एक कोरोना वाली परिस्थिति आपने बताया, तो इसमें हमको यह समस्या देखने में आ रही है, जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं उनसे ये दिखाई दे रहा है कि युवाओं में तो बहुत ज्यादा विषाद की स्थिति है। उनको ज्यादा चिंता हो गई है कि अब हमारी पढ़ाई रुक गई, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, किसी की कमाई कम हो गई है जी, किसी की नौकरी ही चली गई है, किसी की पढ़ाई पूरी तरह रुक गई है, जो छोटे छोटे कक्षाओं में छात्र हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां जो विषाद युक्त हैं, ये विषाद की परिस्थितियां बहुत पहले आ चुकी थीं और भगवान श्री कृष्ण के समय में ही आई थीं जी। अर्जुन क्या कहते हैं, समय महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, वहां पर बोल रहे हैं कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते अगाण्डिवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः जी। इस प्रकार जो अर्जुन ने अपने विषाद की स्थिति बताई है जी, कि हमारा शरीर एकदम से कांप रहा है, हमारे मुख सूख रहे हैं और गांडीव मेरे हाथ से गिरता जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं जी, तो यह जो विषम परिस्थिति इस समय भी उपस्थित है युवाओं के समक्ष, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश किया है उसका सारांश यही है कि पहले तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो जी, और अपनी अंतरात्मा को पहचानो, जो तुम अपने को अनुभव करो ये नहीं हो, तुम इससे अलग हो, तुम आत्मा हो जी, और ये शरीर है। इस प्रकार आत्मा और शरीर के विभेद को करते हुए भगवान ने एक उपदेश दिया अर्जुन को, और दूसरा उसको ये बताया कि ऊर्जा का संचय करना चाहिए जी, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जो भी हमारे अंदर है काम करने की शक्ति है, हम उसको अनावश्यक इधर उधर व्यय न करें, हम चिंता न करें, बल्कि यह सोचें कि हम इससे कैसे पार हो सकते हैं जी जी, हम इस परिस्थिति को कैसे अनुकूल बना सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का संचय करना चाहिए, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखें जी। मामेकं शरणं व्रज, भगवान ने कहा जी, तो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखें, धैर्य को न खोएं तथा कर्म को प्रधानता दें जी। कर्म जो भी आप कर रहे हैं, जो आपके पास कला है, जो आपके पास क्षमता है, जो आपके पास कार्य कर सकने की शक्ति है जी, आप उसको करिए और उसको जो है कार्य से संपन्न कीजिए, तो उसके बाद क्या होगा कि मन की विषाद जो है जी, वह समाप्त हो जाएंगे और आदमी को जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, निश्चित रूप से हम संयम बनाए रखें, धैर्य के साथ रहें और सतर्कता बरतें, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भी आपने बताया कि हमें मिलता है, उन उपदेशों का, उस शिक्षा का हम अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। हमारे साथ थे डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री, आकाशवाणी वाराणसी और FM विविध भारती वाराणसी की ओर से आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हुए अब विदा लेते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.